अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ बिचुमेनियस मटेरियल। इसका एसटीएम कोड है D113। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। दिस टेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द डक्टिलिटी ऑफ बिचुमेनियस मटेरियल मेजर्ड बाय द डिस्टेंस टू विच इट विल एलोंगेटेड बिफोर ब्रेकिंग वेन टू एंड्स ऑफ अ बेक्विट स्पेसिमेन ऑफ द मटेरियल। इस टेस्ट में जो हम मालूम करते हैं वो बिचुमेन की जो है, बिचुमेन को खींचते हैं और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कितना ज़्यादा एलोंगेट होता है, वो चीज़ हम चेक करते हैं इस टेस्ट में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम इसके अपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। बेरिकोइट मोल्ड है ये, इसके नीचे ब्रास प्लेट है और डक्टिलिटी मशीन है, वाटर बाथ, स्टॉप वॉच, सोडियम क्लोराइड, ग्लिसरीन और थर्मामीटर। अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। असेंबल द मोल्ड ऑन द ब्रास प्लेट। ब्रास प्लेट पे जो है आप मोल्ड को असेंबल करेंगे इस तरीके से। ये चार पीसीज होते हैं, इसके दो क्लिप होते हैं, दो साइड पीसीज होते हैं। इसको आप ब्रास प्लेट पे रख के टाइट कर देंगे, फिक्स हो जाएगा ये। कोट द ग्लिसरीन सरफेस प्लेट ऑन इंटीरियर सरफेस। ग्लिसरीन आपने ब्रास प्लेट की सरफेस पे लगानी है, जो दो साइड पीसीज हैं इन पर भी ग्लिसरीन लगानी है। हीट द सैंपल अंटिल इट हैज़ बिकम सफिशेंटली फ्लूइड टू पोर। आपने बिचुमेन के मटेरियल को गर्म करना है और जब वो लिक्विड कंडीशन में हो जाए तो इसके अंदर पोर कर देना है, इस मोल्ड के अंदर। अलाउ द फिल्ड मोल्ड टू कूल रूम टेम्परेचर 30 to 40 मिनट्स के लिए। आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है कूल होने के लिए। प्लेस द मोल्ड इन वाटर बाथ 25 डिग्री टेम्परेचर फॉर 30 to 40 मिनट। फिर आपने वाटर बाथ के अंदर इसको रख देना है मोल्ड को 30 से 40 मिनट्स के लिए। वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इक्वल टू बिचुमेन। जो वाटर में आप रखेंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बिचुमेन के बराबर होनी चाहिए, वो आप क्लोराइड से मेंटेन कर सकते हैं। रिमूव द स्पेसिमेन फ्रॉम द वाटर एंड इमीडिएटली ट्रिम द एक्सेस मटेरियल। फिर आपने इसको पानी से निकालना है और इसके टॉप पे जो एक्सेस मटेरियल है उसको आपने स्पेचुला से रिमूव कर देना है। अगेन प्लेस द स्पेसिमेन वाटर बाथ फॉर 90 प्लस माइनस 5 मिनट। फिर आपने दोबारा इसको 90 मिनट्स के लिए वाटर बाथ में रख देना है। केयरफुली रिमूव द बेस प्लेट बाय शेयरिंग एक्शन एंड रिमूव द साइड पीसेस। फिर आपने इसकी प्लेट को जो है शेयरिंग करके निकालना है, इस तरीके से निकालना है कि बिचुमेन आपका डिस्टर्ब ना हो, और साइड पीसेस भी जो हैं दोनों इसी तरीके से निकालने हैं स्लाइड करके, तो आपका ये इस कंडीशन में आ जाएगा। आपका जो स्पेसिमेन है वो इस कंडीशन में आ जाएगा। अटैच द रिंग एट ईच एंड ऑफ द क्लिप्स टू द पिन और हुक इन टेस्टिंग मशीन। पे आपने टेस्टिंग मशीन में इस तरीके से रखना है, दोनों क्लिप्स जो है हुक कर देने हैं इस तरीके से। द स्पेसिमेन कवर इन वाटर एटलीस्ट 2.5 सेंटीमीटर। तो इस मशीन के अंदर जो आपका पानी होगा वो आपके स्पेसिमेन से 2.5 सेंटी तक ऊपर होना चाहिए कम से कम। पुल द क्लिप्स यूनिफॉर्म स्पीड एट 50 पर मिनट अंटिल रेप्चर ऑफ स्पेसिमेन। फिर आपने इसको पुल करना है, मशीन को स्टार्ट कर देना है और इसका रेट होना चाहिए 50 mm पर मिनट, 50 mm तक पर मिनट में इसको पुल करना है, और जब तक पुल करना है जब तक ये बीच में से रैप्चर ना हो जाए। इस तरीके से आपने इसको जो है मशीन को स्टार्ट कर देना है। नॉर्मल डक्टिलिटी क्या होती है? द मटेरियल रैप्चर नियर द सेंटर ऑफ द स्पेसिमेन और रीचेस द लेंथ लिमिटेशंस। या तो आपका जो स्पेसिमेन है जब आप इसको पुल करेंगे तो ये सेंटर के नियर द सेंटर के किसी भी हिस्से से रैप्चर हो जाएगा, तो ये आपकी नॉर्मल डिक्टिलिटी है, या पूरा ये लास्ट तक जो है चला जाएगा और रैप्चर नहीं होगा तो ये नॉर्मल डिक्टिलिटी कहलाएगा। मटेरियल कम सरफेस ऑफ द वाटर और द बॉटम ऑफ द बाथ द टेस्ट शेल नॉट बी कंसिडर नॉर्मल।
जो आपने बिचुमेन ये टेस्ट कर लिया और आपका ये जो सेंटर से अगर ये बॉटम पे टच हो जाता है या पानी के सरफेस पर आ जाता है तो भी ये आपका नॉर्मल नहीं कहलाएगा, आपको पानी का पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो गाइस, ये था डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ बिचुमेन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।